17.2.1 जैविक घटकों में अंतर संबंध इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग कंपोनेंट। आपने देखा कि जीवों के बीच के अंतर संबंध कई कारणों से बनते हैं, जैसे प्रजनन, भोजन व सुरक्षा। जीवों के बीच अंतर संबंध का एक प्रमुख कारण भोजन व उससे मिलने वाली ऊर्जा है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वन भैंसा छत्तीसगढ़ के घास के गीले मैदानों, दलदल और नदियों के पास घने जंगलों में मिलता है। यह घास व अन्य पौधे खाता है। यहाँ वन भैंसा और घास के बीच एक संबंध है जो ऊर्जा के बहाव के रूप में है। घास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने लिए भोजन बनाती है। इस भोजन से इसे ऊर्जा मिलती है। वन भैंसा ऊर्जा के लिए घास खाता है। यहाँ ऊर्जा का बहाव घास से वन भैंसे की तरफ हो रहा है। वन भैंसे को अगर शेर खाता है तो यह अंतर संबंध इस प्रकार दिखा सकते हैं, घास, वन भैंसा, शेर। ऊर्जा के इस बहाव की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। किंतु हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वन भैंसा केवल घास ही नहीं खाता, कुछ दूसरे पौधों को भी खाता है। ऐसे ही दूसरे जीव जंतु भी घास खाते हैं और शेर दूसरे जंतुओं को भी खाता है। इस प्रकार बनी हुई सभी खाद्य श्रृंखलाओं को यदि हम जोड़ दें तो खाद्य जाल बन जाएगा। वन भैंसा घास, शेर और अन्य पेड़ पौधों व जंतुओं को लेकर खाद्य जाल बनाए। उपर्युक्त खाद्य जाल में वन भैंसा लुप्त हो जाए तो खाद्य जाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अपने से जुड़ी दो खाद्य श्रृंखलाएं बनाएं, इन दोनों में आपस में अंतर संबंध भी बताएं। पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल। दिए गए चित्र में खाद्य श्रृंखला में कुछ ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि इस खाद्य श्रृंखला में वन भैंसा और शेर, यहाँ वन भैंसा प्राथमिक उपभोक्ता है और शेर द्वितीयक उपभोक्ता। इस श्रृंखला में और भी उपभोक्ता हो सकते हैं। अंत में खाद्य श्रृंखला में ऐसे जीव जुड़ते हैं जो जीवों द्वारा शरीर से बाहर निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों और जीवों के मरने के बाद उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये जीव अपघटक कहलाते हैं। अपघटन की क्रिया में बने सरल पदार्थ फिर से पर्यावरण का हिस्सा बन जाते हैं। इस खाद्य श्रृंखला को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घास उत्पादक, वन भैंसा प्राथमिक उपभोक्ता, शेर द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी एक पोषण स्तर कहलाती है। कुटुम्बसर गुफा की खाद्य श्रृंखला बनाएं। क्या आप जानते हैं, कुटुम्बसर गुफा में बाढ़ के दौरान ही सूक्ष्म पौधे, सूक्ष्म जंतु व अन्य पोषक पदार्थ गुफा में प्रवेश कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल कुछ ही समय के लिए कानी मछली को ये पोषक पदार्थ भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं, अन्यथा कानी मछली गुफा में उपस्थित मृत जीव और पौधों को ही खाती है। यहाँ पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला अपमार्जक खाद्य श्रृंखला होती है, जिसमें प्रथम पोषक स्तर पर उत्पादन न होकर मृत पदार्थ होते हैं, मृत जीव जंतु, कानी मछली, चमगादड़।